पापा। हाँ बेटा। फोन देना। फोन? बाबू मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, थोड़ी देर में ले लेना। फेसबुक? ये कौन सा जरूरी काम है? कुछ है जरूरी काम देखना है, कुछ मेरे एक वो चल रहा है कुछ काम। मुझे तो भाई फोन ही नहीं देता। पियो क्या बात है बेटे, आज मेरी बेटी को नाराज सी लग रही है। देखो ना दादाजी, मेरे पास फोन भी नहीं है और कोई मुझे फोन भी नहीं देता। मैं भी पापा के पास गई, मैंने बोला पापा फोन दे दो, पापा बोल रहे मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ और बैठे फोन में फेसबुक देख रहे हैं, मुझे भी रील्स देखनी है। बस इतनी सी बात? अच्छा ले मेरा फोन ले, तुझे तकड़ लगा। इसमें तो कुछ भी नहीं है। पियो रुक। तूने क्या किया? ये कोई तरीका है ऐसे दादाजी का फोन फेंकते? भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने मुझे फोन दिया और उसमें ना इंस्टाग्राम है ना फेसबुक है और ना ही गेम है, तो मैं उस फोन का क्या करती, तो मैंने फेंक दिया। पीयू तुझे नहीं पता तूने ये सब क्या किया है? उन्हें क्या पता इंस्टाग्राम फेसबुक गेम्स क्या होता है? उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब उनके पास तो अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ तक कि ईमेल आईडी भी नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ प्यार में तुझे फोन दे दिया था और तूने ऐसा कर दिया। पीहू ये तूने गलत किया है। सॉरी दादाजी, मैं तो बच्ची हूँ, माफ कर देना। दोस्तों हमारे पास ये बुजुर्ग वो आखिरी पीढ़ी है जिनका ना तो कोई सोशल अकाउंट है और ना ही कोई सेल्फी का शौक है। इन्होंने बहुत कम सुख सुविधाओं में अपना पूरा जीवन बिताया है। मोबाइल वाली दुनिया को छोड़िए और इनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए। जी हाँ, हम वो आखिरी पीढ़ी हैं जिनके पास ऐसे दादा दादी हैं।